फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छी होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है सैटरडे, कल था दशहरा। बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था, कोई ऐसा दशहरे वाली रौनक नहीं थी, ना मार्केट में ना कुछ और चहल पहल थी। और आज मेरा मुँह लग रहा, मुझे स्वेलिंग आई हुई है थोड़ी थोड़ी। अंशु मनुआ भी घर पे हैं, सुबह गलती से अलार्म मुझे सुना ही नहीं और मैं उठ ही नहीं पाई। ये घर पे हैं दोनों के दोनों। और अब मैंने बनाया ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट में बने हैं ऑमलेट, ब्रेड एंड चाय है। तो ये मैं अब इनको फटाफट खिलाती हूँ, फिर करूँगी काम। आज देखते हैं शायद मार्केट हो, तो चलिए जहाँ भी जाएंगे आपको लेके जाएंगे। तो फटाफट मैं इनको नाश्ता करवा देती हूँ। जी अंशु मनु लिए हैं नहा, मैं रह गई हूँ, मैं भी नहाऊँगी इनको खाना खिला के। तो इन्होंने निकाल लिया अपना झूला, जो कि इनको बर्थडे पर गिफ्ट मिला था मेरी सिस्टर से। सीधे कर बेटे प्यार, सीधे नीचे नीचे। हाँ, ये ले रहा उस पर झूला मनु खड़ा लेने के लिए। अच्छे से बैठ जा पीछे। हाँ तो गाइस, मैं सो रहा हूँ झूले पे। बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड नाइट। हम चले मार्केट, मुश्किल से मार्केट लेके जा रहे। मेरा मुंह स्वेलिंग आई हुई, आप बोल रहे हो मोटा हो रहा है। तो चलो आपको मार्केट दिखाते हैं कितनी चहल पहल है। यहीं से भीड़ लग रही है वैसे मुझे तो। तो ये आ गए हम मेन मार्केट में और भीड़ हुई पड़ी है बहुत। मेन तो मार्केट अब आएगी बिल्कुल भीड़ ही। वह सब कुछ अपने को इसी मार्केट से लेना है, लैश वगैरह। ये भी अब और वाले हैं वैसे, बट ये ड्रेसे बेचते हैं, वो कपड़ा बेचते हैं। पिस्ता कलर देखो ना आप जो कह रहे थे। हाँ पिस्ता कलर में दिखाना एक बार, आजकल वही ज्यादा चला हुआ है। ये कलर तो फिर भी सुंदर है। तो जी रात हो गई है और अब हम घूम रहे हैं अभी तक मार्केट में। इधर वापस लो, हाँ इधर गली में। अभी तक हम मार्केट में ही घूम रहे हैं, अभी हमें कुछ मिल नहीं रहा है। हाँ परेशान मत हुआ करो घूमते, क्योंकि ना और जो छोटा मोटा रहता है रौनक तो है बाजार में। वैसे इलेक्ट्रिक शॉप सबसे ज्यादा चमकती है ना इस टाइम। और कद्दू और टिंडे है यार, देखो आंखों का धोखा। मरुदों में टिंडे बोल रहे हैं। तो अपना मरुदों में भैया सीजन गया, तो आप कहाँ से लेके आते हो? देखो 110 रुपए किलो अमरूद, इतना महंगा क्या फ्रूट खाएगा कोई। हम आ गए मुक्सर के सबसे पुराने बर्गर वाले के पास, चाइनीज भैया चाऊ चाऊ भी बोलता है क्या। तो ये यहाँ पे सबसे पुराने बर्गर वाले हैं। पकड़ लो थोड़ा सा कुछ, सारा कुछ मेरे ही हाथ में दे दिया। इसमें डाल, इसमें नहीं, इसमें कुर्ता पजामा। बच्चों का टाइम हो रहा है, बच्चों का टाइम हो रहा है, खेल रहे होंगे वो।
पांच साल में दूसरी बार खा रही हूँ यहाँ का बर्गर, सिर्फ दूसरी बार। आप यहाँ से हमेशा आते कभी नहीं आते। नहीं आपने खाने हैं? कहाँ हैं गोलगप्पे? किधर हैं गोलगप्पे? जानते यार, पैक करवा लो मुझसे, नहीं यहाँ पे खाया जाएगा। तो जी हम गए थे चाइनीज बर्गर वाले के पास, नूडल और चाउमीन लेने, और बर्गर खा के आए, बहुत ही टेस्टी था। और वो भैया पंजाबी बोलते हैं क्योंकि वो काफ़ी साल से पंजाब में रह रहे हैं, चाइनीज़ भी बोलते हैं, वो फ़ोन पे चाइनीज़ में बात कर रहे थे और पंजाबी बोलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको उनके मुंह से पंजाबी ज़रूर सुनवाएंगे कि वो कैसी बोलते हैं। बहुत अच्छा लग रहे थे पंजाबी में, आपको बोल रहे थे ना, पेट बाहर कैसे आ गया। अब हम चलते हैं बच्चों को लेने, 6:30 हो गए हैं, बेचारे वेट कर रहे होंगे, हमें मार्केट में टाइम लग गया, हम उन्हें लेके आते हैं। मैंने वो इयररिंग्स इसलिए ले लिए क्योंकि उसमें 2 कलर मैच हो रहे थे सूट के, और उस कलर के मिल नहीं रहे थे, जो दुपट्टा है जिस कलर का वो नहीं मिल रहे थे, जो डार्क येलो येलो मिल रहे थे इसलिए। फ्रेंड्स हम आ गए हैं घर पर, मार्केट में थी बहुत ज़्यादा भीड़, जाते वाले भी स्टेशन पे भीड़ थी और आते वाले भी, और बच्चों को ले आए हैं ट्यूशन से। ये रहे मेरे बच्चे, बहुत ही ज़्यादा निकट्टू। हाँ पटाखे 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 देते हैं इनको। सब हो गई है रात और हमारा हो रहा है डिनर। सब्जी आज मैंने बनाई नहीं, बाहर से लाई है दाल, उसके साथ खा रहे हैं रोटी, बच्चों ने खा लिया है। ये है मेरी रोटी पापड़, ये रोटी है, ये पापड़ है और दाल है, इन्होंने खा लिया है। बस अब इनको सुलाऊंगी, कल है संडे, आराम से उठेंगे। उसने बोला मुझे डिस्टर्ब मत करना, सुबह उठाना मत। और जिस दिन छुट्टी होती है, सभी बच्चों का यही हाल है, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन वो सुबह टाइम से बहुत ज़्यादा पहले ही उठ जाते हैं, तो इनका भी वही हाल है, उठ के घूमने लग जाते हैं बाहर। तो चलिए मैं डिनर करती हूँ, इस ब्लॉग का करते यहीं पर एंड। आज जो भी किया वो आपको दिखाया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। कल फिर मिलते हैं, मेरी वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइए, तब तक के लिए बाय।